नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शेखर मिश्र और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। उत्तर प्रदेश के संभल के एक गांव मुबारकपुर में बीते 25 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। हत्या को 2 महीने होने को आए हैं और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस किसके खौफ में ये कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सोचने वाली बात है। पीड़ित के पिता का कहना है कि उसने 40,000 रुपए के बैल बेचकर पुलिस को घूस के रूप में दे दिए, लेकिन फिर भी मुजरिम जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन सब पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता संभल से सरफराज अहमद जुड़ रहे हैं। जी सरफराज, बताएं क्या है पूरा मामला और इस पर क्या है अपडेट। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला सदर कोतवाली संभल का है जी, जहाँ अभी पिछले साल 2018 को एक लड़के की मौत हुई थी जी, जिसमें अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी की धरपकड़ नहीं की है जी। उसी को लेके इनका इस मृतक का परिवार कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा जी, और उसने मांग की कि जल्दी से इसमें हमारे कार्रवाई करें जी, उन लोगों की धरपकड़ करें जी। तो पुलिस जो है इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कोई लोकल दबाव है या उन लोगों का दबाव है जो जिन्होंने उस व्यक्ति का कत्ल किया है? नहीं सर, इसमें कोई भी अधिकारी अपनी तरफ से कुछ भी कहने को नहीं है, कुछ नहीं बता पा रहा जी कि किसके दबाव में वो लोग इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे जी। लेकिन हाँ, परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने भैंस बेच के एक दरोगा को कुछ रुपए दिए जी कार्रवाई के नाम पे जी, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोग स्थानीय पुलिस से मिले हैं, तो पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, पुलिस इसमें कुछ नहीं बोल पा रही, कुछ नहीं बोल रही पुलिस जी, बिल्कुल मौन बनी हुई है पुलिस इस पर जी। और जो जिले के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है पूरे मुद्दे पर? देखिए, परिजन जो है कलेक्ट्रेट के बाहर उन्होंने जो है धरना दिया और उन्होंने अनशन पर वो लोग बैठे, उन्होंने अपनी मांग की कि जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारे परिवार के व्यक्ति की मौत हुई है उसके लोग आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन उसके बाद भी जो है आला अधिकारी उनसे नहीं मिले और न ही किसी तरह कोई बात की जी। सरफराज, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जो आरोपी है उनका बैकग्राउंड कैसा है, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? देखिए, वो कुछ दबंग टाइप के लोग हैं और कुछ थोड़ा उनका नेतागिरी में भी कुछ दबदबा है, जिसके कारण हो सकता है कि पुलिस इस दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। चलिए सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए, पूरे मुद्दे पर हमें अपडेट देने के लिए। जब पुलिस ही पीड़ितों की मदद ना करे या जब पुलिस ही आरोपियों के साथ हो जाए तो इस प्रदेश, इस देश का क्या होगा? इस देश के लोगों का निर्वाण कैसे होगा? इस देश के लोगों का संचालन कैसे होगा? इसी मुद्दे के साथ, इसी प्रश्न के साथ आपको यहीं छोड़ते हैं और इस फिलहाल इस पेशकश में हमारी इतना ही। आप देखते रहिए नेशन लाइव।